नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ कृतिका। फिर आ गया है फिल्मी फ्राइडे और इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे दी है सस्पेंस थ्रिलर फिल्म बदला ने। और इस फिल्म में मेन लीड में दिखाई दे रहे हैं अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू। सुजॉय घोष के निर्देशन में बनी सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा बदला सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। मूवी में अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू का रोल काफी चुनौतीपूर्ण है। पिंक के बाद दर्शकों को बिग बी और तापसी को एक साथ देखने का यही मौका मिलेगा। मूवी के ट्रेलर को लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। मालूम हो ये मूवी स्पेनिश फिल्म की रिमेक पर बेस्ड। मर्डर मिस्ट्री में रियल विलन कौन है इस पर सस्पेंस बना हुआ है। वहीं बिग बी वकील के रोल में आपको दिखाई देंगे। फिल्म को शाहरुख खान की कंपनी रेड चिली एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसे 2200 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। बदला का बजट 30 करोड़ बताया गया है। तो वही आपको बता दें कि क्रिटिक्स बदला को अच्छा रिव्यू दे रही है। दरअसल मर्डर मिस्ट्री में रियल विलेन कौन है इसका राज खुल गया है। खबरों के मुताबिक इसमें असली खलनायक तापसी के पति के रोल में दिखने वाले मानव कॉल होंगे। ट्रेलर में दिखाया गया था कि तापसी का शादी के बाद किसी से अफेयर है, फिर एक रात तापसी के बॉयफ्रेंड का मर्डर हो जाता है। इसी कातिल की तलाश में अमिताभ जुटते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू स्टारर फिल्म मूवी बदला को लेकर बस बना हुआ है। ये साल 2019 की पहली सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। पिंक के बाद दोबारा तापसी पन्नू और बिग बी एक साथ दिखाई दिए हैं। ट्रेड रिपोर्ट्स की मुताबिक मूवी पहले दिन 3 से 4 करोड़ की कमाई कर सकती है। बिग बी का स्टारडम और सुजॉय घोष का निर्देशन दर्शकों को सिनेमा घरों की तरफ मोड़ लेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।